तो मेरे बहुत से भाइयों के ये सवाल था मेरे से कि मैं IHFF में क्यों नहीं खेला। सो हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली से बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। शुरुआत करते हैं नितिन भाई की तरफ से। सो नितिन भाई ने अपने जो यूट्यूब चैनल पर जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट शेयर की, सो जिसे जो आप यहां पर सुन सकते हैं। तो मेरे बहुत से भाइयों के ये सवाल था मेरे से कि मैं IHFF में क्यों नहीं खेला। तो पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मैं खेलता हूँ IBBF से, जिसमें होता है जिसका मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, ये और भी कोई कॉम्पिटिशन होता है उससे खेल रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा वो सुनील सर की जो फिजिक है वो बिल्कुल अनबीटेबल है, और मैं भी अपने आप को उस लाइक नहीं समझता कि मैं जाऊँ और IHFF में खेलूँ और प्रो कार्ड जीत के देन आगे, मतलब प्रो कार्ड लेके मिले ना मिले एक दो साल दो बाद की बात है, उसके बाद आगे किसी और कंट्री में जाके खेलूँ, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। अभी एक एज भी मैटर करती है, जैसे 25 हमारी बॉडी जो मसल मेन ग्रोथ होती है वो 28-30 के बाद स्टार्ट होती है। अभी हम चैलेंज के साथ जबरदस्ती कि बॉडी बनानी ही बनानी है हमें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी पहले जिस फेडरेशन में है बहुत अच्छी फेडरेशन है, तो मैं इसी से खेल रहा हूँ। अभी आगे कॉम्पिटिशन में आने वाला है, तो मेरा ये रीज़न था इसमें IHFF में ना खेलूँगा, क्योंकि प्रो कार्ड ले लिया, जीत लिया, इस साल दो अगले साल जीत लिया, उसके बाद क्या करेंगे जब अपनी बॉडी ही प्रो लेवल वाली नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर जो नितिन भाई का कहना है कि उनकी जो फिजिक है अभी तक जो है उस प्रो लेवल की नहीं है कि वो जो है IIBB में कम्पीट करें और प्रो कार्ड को जीतकर जो है मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करें। सो काफ़ी अच्छा डिसीजन है कि पहले जो है नितिन भाई का कहना है कि वो जो है अपनी फिजिक को एक जो है प्रो लेवल का बनाएंगे, उसके बाद जो है अमेचर ओलंपिया को जीतेंगे, फिर उसके बाद जो है मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए जो है कम्पीट करेंगे। सो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। आपका ओपिनियन क्या है यहाँ पर जो नितिन भाई के लिए, मुझे जो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें तो आती है साहिल खान की तरफ से। तो गाइस आप यहाँ पर जो है साहिल खान की न्यूज़ को सुन सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी स्टोरी पर क्या मेंशन किया है। और गुड न्यूज़ दूसरी जो भुवन चौहान के बारे में है, कांग्रेचुलेट करता हूं मैं उनको। मैंने ऐसा वादा किया था कि कोई भी इंडियन अगर प्रो शो जीतेगा जो इंडिया में हो रहा है, उसको मैं दूंगा बिजनेस क्लास फ्लाइट लास वेगास के लिए और 7 दिन लास वेगास में रहना 5-स्टार होटल में। वादे के मुताबिक मैंने जब जब जो जो कहा है वो किया है, आप लोग सब जानते हैं और इतिहास गवाह है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑलरेडी, मेरी टीम मेरे ऑफिस में बात कर रही है भुवन चौहान से, हमें ऑलरेडी ईमेल पे आ चुका है। बहुत जल्द भुवन चौहान को हम लोग वादे के मुताबिक बिजनेस क्लास 5-स्टार 7 डेज का रहना लास वेगास में देंगे और उम्मीद करेंगे कि भुवन चौहान इंडिया का झंडा लहराएं, इंडिया का नाम रोशन करें। और इसी तरह से जितने भी एथलीट हैं इंडिया में जो लोग खेल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपसे जोड़ूँ, डिवाइन न्यूट्रिशन से जोड़ूँ। सो यहाँ पर जो साहिल खान का कहना है कि वो जो अपने वादे पर बिल्कुल पक्के हैं और वो जो है भुवन चौहान को जो है 7 डेज के लिए जो है मिस्टर ओलंपिया के लिए जो है फुल जो भी उनकी जो है एक्सपेंसेस होंगे उन्हें जो है कैरी करेंगे, जिससे कि हमारे इंडियन एथलीट्स को जो है काफ़ी हेल्प होगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो आ रही है यहाँ पर जो है तरुण गिल की तरफ से। सो फाइनली से यहाँ पर जो है गाइस 5 नवंबर को जो है तरुण गिल कम्पीट करने वाले हैं बिग फिट क्लासिक में। सो यहाँ पर जो है तरुण गिल ने अपनी जो फिजिक अपडेट शेयर किया है। सो क्लियरली आप देखेंगे अगर तरुण गिल की फिजिक को तो एकदम जो है एज के हिसाब से काफ़ी अच्छी फिजिक को कैरी कर रहे हैं। अब अभी देखते हैं कि तरुण गिल का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है यहाँ पर जो है बिग फिट क्लासिक में। क्या आपको लगता है कि बिग फिट क्लासिक कोई जीत सकते हैं तरुण गिल या नहीं, मुझे जो है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो वही बात करें यहाँ पर जो इंटरनेशनल एथलीट्स की अपडेट्स की। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो है विलियम बोनैक से। सो विलियम बोनैक यहाँ जो है मिस्टर ओलंपिया से 7 वीक्स आउट जो अपना फिजिक अपडेट है वो शेयर कर दिया है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब 5.5 फुट की हाइट वाले एथलीट पर 120 kg का वजन ऐड होता है तो वो जो है कितना ज़्यादा ह्यूज दिखाई देता है। ओवरऑल कंडीशनिंग वाइज बात करें तो यहाँ पर जो है विलियम बोनैक काफ़ी ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं। अभी जो है मिस्टर ओलंपिया से 7 वीक्स आउट है, लेकिन जो इनकी कंडीशनिंग है वो ऐसी लग रही है कि 2-3 हफ्तों में जो है अपनी फिजिक को रेडी कर सकते हैं। सो आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पर जो है इनके जो ग्लूट्स काफ़ी सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल फिजिक में काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग को हैंडल करने वाले हैं। सो इस बार जो है विलियम बोनैक अपना जो है बेस्ट वर्जन लेकर आने वाले हैं यहाँ पर जो है मिस्टर ओलंपिया में। सो देखते हैं कि विलियम का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है इस बार के मिस्टर ओलंपिया में। क्या आपको लगता है कि इस बार के मिस्टर ओलंपिया को जीत सकते हैं या नहीं, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। सो वहीं नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलें तो आ रहा निक वॉकर की तरफ से। तो निक वॉकर ने यहाँ पर जो मिस्टर ओलंपिया से 7 वीक्स आउट अपना फिजिक अपडेट शेयर किया है। सो वहीं बात करें अगर निक वॉकर की तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन साइज कैरी कर रहे हैं फिजिक में, एकदम जो है प्रोपोर्शनल फिजिक लग रही है। वी टेपर काफ़ी अच्छी आती है यहाँ पर जो निक वॉकर की फिजिक में। ओवरऑल कंडीशनिंग वाइज बात करें तो मिड सेक्शन काफ़ी कंट्रोल में लग रहा है, फिजिक काफ़ी कंडीशन लग रही है। वहीं अगर बात करें लोअर बॉडी की तो लोअर बॉडी में जो लेग्स हैं वो थोड़ी सी जो है लैग करती हैं, अपर बॉडी के कंपेरिजन में जो लेग्स हैं वो पूरे तरीके से जो बैलेंस पर नहीं बैठती हैं। सो अभी देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया से 7 वीक्स आउट हैं कौन से ऐसे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करते हैं जो कि इन्हें जो है इस बार का मिस्टर ओलंपिया का जो टाइटल है वो दिला सकते हैं। सो गाइस अगर आप ऐसी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।